नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा में बड़ी चूक, शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान सदन में विजिटर गैलरी से कूदे दो युवक। सदन के बाहर दो आरोपियों ने किया हंगामा, जूते में स्मोक पाउडर लेकर गए थे आरोपी, सदन में देखा पीला धुआं। लोकसभा सांसद प्रताप सिन्हा की ओर से बनवाया गया था आरोपी युवकों का विजिटर पास, सुरक्षा एजेंसियों ने सांसदों से की पूछताछ, सांसद की सफाई, संसदीय क्षेत्र के लोगों की सिफारिश पर बनाए गए विजिटर पास। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, संसद की तगड़ी की सुरक्षा, सीआरपीएफ के डीजी सहित स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली पुलिस को दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी ली शपथ। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत भाजपा के दिग्गज नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के दिग्गज नेता रहे मौजूद। राजस्थान में भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, दोनों डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंदिरों में की पूजा अर्चना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन में कूदने वाले दोनों लोगों को पकड़कर सारी सामग्री जब्त कर ली गई है, संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को भी पकड़ा गया है। संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद दर्शक दीर्घा पास बनाने पर लगी रोक, स्पीकर ओम बिरला ने लगाई दर्शक दीर्घा पास पर रोक। कांग्रेस ने खुदरा मुद्रा स्फीति में एक बार फिर तेजी को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9.5 वर्षों में जनता को महंगाई की गारंटी मिली है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, इस घटनाक्रम को राज्य में आपके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में एक स्कूल बस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, बस में सवार दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 35 बच्चे बाल बाल बचे। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन के परिसर में स्थित जन आहार कैंटीन में लगी आग, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए कांग्रेस नेता एवं सांसद कार्ति चिदंबरम, 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने के अनियमितताओं से जुड़ा धन शोधन मामला बताया सबसे फर्जी मामला। सिख रीति रिवाज से शादी को वैधानिक मान्यता देने वाला आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू, लंबे समय से हो रही थी इसकी मांग। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों में तलाशी अभियान जारी, अत्याधुनिक उपकरणों से हो रही है तलाशी। लोकसभा की घटना पर जवाब दे गृह मंत्रालय, कांग्रेस की मांग संसद की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा हो। संसद की सुरक्षा में चूक, खुफिया इनपुट के बावजूद एजेंसियां फेल, 6 लोगों ने मिलकर रची साजिश, 4 गिरफ्तार, 2 फरार। लोकसभा स्पीकर ने पूर्व सांसदों और सांसदों के निजी सहायकों के एंट्री पास रद्द करने के दिए आदेश, संसद में सुरक्षा के चूक के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक। साल 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी एनिमल, फिल्म ने 12 दिन में किया 757.73 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, एनिमल हर दिन तोड़ रही है कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स, फिल्म में रणवीर कपूर, बॉबी देओल और अश्मिका मंदाना है अहम किरदार में। पूजा हेगड़े को मिली जान से मारने की धमकी, दुबई के एक क्लब में बहस के बाद एक्ट्रेस को मिली धमकी, पूजा क्लब की ओपनिंग के लिए दुबई गई थी, वापस वह भारत लौट चुकी हैं। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें आप दुनिया पर।